हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एलसीएम बनाना सीखेंगे, जिसको को इंग्लिश में बोलते हैं लोस्ट कॉमन मल्टी और हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम दो से लगाएंगे, आ जाएगा 12, इसका आधा 30, इसका आधा 90। फिर देखिए दो से लगता है, इसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है, तो सब में दो से लगता है तो लगा देंगे, आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 15, यह जाएगा 45। देखिए दो से सिर्फ इसमें लगता है, बाकी बात कोनों में लगता है, तो लगा देंगे 3 से। 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45। अब देखिए 3 से नहीं लगेगा, लगा देंगे 5 से, ये 2 × 5 = 5, 5 × 3 = 15। अब लिख देंगे एल सी एम, ये जितना भी है सबको गुणज के रूप में लिख लेंगे, 2 × 2 × 3 × 5 × 2 × 3। अब गुणा कर कर पूरे लिख देंगे। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 × 2 = 120, 120 × 12 = 36, लगा देंगे आ जाएगा 360। आपका आंसर यही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है, लगा देंगे यहाँ 2 से, आ जाएगा 16, और 36 का आधा होता है, सॉरी 72 का आधा होता है 36, तो 36 लिख देंगे, उसके बाद 36 का आधा 18 लिख देंगे, उसके बाद फिर लगा देंगे 2 से, आ जाएगा 8, फिर हो जाएगा 18 × 9 = 18, ये 2 से आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 9, उसके बाद ये 9 × 9। अब अबू लगेगा 3 से, लगा देंगे 3 से 4, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, फिर लगा देंगे 3 से, ये 4, 3 × 3, 3 × 3, लिख देंगे एल सी एम। जो भी गुणज है उसको हम लिख लेंगे। देखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 4। अब गुना कर कर हम लिख देंगे। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 24, 4 × 3 = 12, 2 × 1, 3 × 2 = 7, आ जाएगा 72, फिर गुना कर देंगे 4 से, 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 × 2 = 8, 9 × 7 = 28, यानी 288 गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा 288। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।